नेक्स्ट आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक ट्राइंगल का दिया है ये रेशियो दिया है, यहाँ पे आपको एरिया ए बी सी निकालना है। ओके तो ये इजी है, दिस एरिया अपॉन दिस एरिया साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए थ्री साइड्स ट्राइंगल के दिए हैं, थ्री साइड्स दिए हैं, अब आपको लॉन्गेस्ट साइड का निकालना है। ये हम रफ फिगर बना रहे हैं, एक ए सबसे बड़ी साइड मैं जान पूछ के ट्राइंगल के सामने ले रही हूँ, और अब मैं देख रही हूँ क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, क्योंकि सामने ये एंगल निकालना है मुझे। ये आपका सिमिलर ट्राइंगल से भी आ सकता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके भी आ सकता है। लॉन्गेस्ट आपके सामने वाला ये है, देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 90 है, लेकिन अगर पाइथागोरस थ्योरम ना लग रही हो तो आपको पता है ना, लेकिन ट्रिगो भी उसी में होती है, नहीं हो पाएगा, ट्रिगो भी के लिए भी 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मोस्टली ये 90 पे ही आएगी, ऐसे ही होगा। ठीक है, ट्रिगो के एंगल भी 90 होगा तो ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, ये दोनों निकालने के लिए आ सकते हैं, तो इसमें आप किसी वही परपेंडिकुलर बेस लेके साइन की रेशियो लगा के फिर आप एंगल निकाल सकते हैं। 11th क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी का है, वैल्यू चेंज है, इसका आंसर 12 है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, आपको पता है रोम्बस का लॉजिक क्या है, आप पहले लिखोगे, ये एक्चुअली 7th क्लास का क्वेश्चन है, 10th का नहीं है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, रोम्बस में डायगोनल्स जो है एक तो 90 परपेंडिकुलर होते हैं, दूसरा बाइसेक्ट करते हैं। अब एक 16 है ये पूरा, तो ये आधा 8 हो गया, बाइसेक्ट करते हैं इसको पूरा 12 ले लो तो ये आधा 6 हो गया। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ साइड, ये साइड निकालनी है ए ओ बी इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप ये लगा के इससे ये निकाल देना, ये 7th का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं बट ए बी सी डी एफ के सिमिलर नहीं है, वो तो पता है ना आपको साइड्स का होता है रेशियो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो क्या ट्रू नहीं है। अब इसमें आप एक काम करना, ए बी अपॉन ई डी ये रेशियो ले लो, बी सी अपॉन डी एफ और फिर ए सी अपॉन ई एफ, ये आ गई। अब एक तुम्हारी रेशियो दिस इंटू दिस बनेगी, एक दिस इंटू दिस बनेगी और एक दिस इंटू दिस दिस, इसमें से जो होल्ड हो देख लेना, जो ना हो वो बता देना, ये जो पूछ रहा है। ओके, 16th क्वेश्चन में आपको बताना है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होगी या नहीं होगी। ये भी साइड वाला क्वेश्चन है, पी आर ये भी हो जाएगा एनसीईआरटी का आसान क्वेश्चन है। अब 18th पे आते हैं, एम और एन 46 एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एक्सप्रेस एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल, के कॉमन, ये दोनों ट्राई एंगल सिमिलर, तो वो साइड्स की रेशियो ले लोगे, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन बी प्लस सी, उससे आ जाएगा ना एक्स ए बी सी के टर्म में। नेक्स्ट ये क्या है, ए एच के, ए के आपका 10 है, बी सी 3.5 है, एच के 7 है, ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें सिमिलर दिया है जबकि उस क्वेश्चन में सिमिलर नहीं दिया था, इसमें सिमिलर दिया है। साइड्स को प्रोपोर्शन में लोगे इनमें, मतलब देखो जो भी तुम्हें ये सिमिलर है ना, ऐसे तीन रिजल्ट्स ले लेना, या तो तीनों यूज होंगे, कोई दो यूज होगा, जो यूज हो रहे हैं वो लेके एक को डिस्कार्ड करके सॉल्व कर लेना। इट इज गिवन, ये क्या कह रहा है, इट इज गिवन डी ई आर पी इज इट ट्रू, जहां डी है वहां आर है, ये तो ट्रू है, जहां एफ है वहां क्यू नहीं है, जहां एफ है वहां, तो ये वाला नहीं होगा।